दोस्तों आजकल हर कोई बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है, फिर चाहे वो वर्ल्ड की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी एप्पल हो या फिर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला हो, क्योंकि इन प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी कमाल की होती है कि ये आपके लाइफस्टाइल को औरों से अलग बनाते हैं। दोस्तों इन्हीं की तरह नाइकी भी स्पोर्ट्स वियर वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड है, और इसी ब्रांड के रनिंग शू की लिस्ट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका प्राइस रेंज 3500 रुपीज़ होने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी नाइकी का शूज़ अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ नाइकी के कुछ ऐसे शूज़ की जो कि दिखने में एक से बढ़कर एक हैं, साथ ही इनकी क्वालिटी भी टॉप नॉच है। दोस्तों इस बार ब्रांड के साथ साथ प्राइस भी हटके होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रन विद सम्राट में। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि 3500 रुपीज़ का रनिंग शूज़ खरीद पाना आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप हमारे 2000 रुपीज़ और उससे कम के बजट रनिंग शूज़ की लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे शूज़ सेलेक्ट करते वक्त हमने कुछ बेसिक क्राइटेरियाज़ को फॉलो किया है, और इन बेसिक क्राइटेरियाज़ को हमने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। दोस्तों ये बेसिक क्राइटेरियाज़ को फॉलो करने का हमारा एक मकसद है, ताकि आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी एक स्पेशल वीडियो को। तो पाँचवें नंबर पर आता है नाइकी रिवोल्यूशन 5 मेंस रनिंग शूज़। दोस्तों अगर इस शूज़ की बात करें तो इसमें इस्तेमाल हुए फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं, जिसमें सबसे यूनिक फीचर है इस शूज़ का लेसिंग सिस्टम। साथ ही इस शूज़ के मिडसोल फोम की कुशनिंग इतनी अच्छी है कि आप स्टेबल रनिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और इस स्टेबल रनिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इस शूज़ के आउटसोल में रबर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक्सीडेंटल स्लिप के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। और इस अपर को नीटिंग प्रोसेस के थ्रू तैयार किया गया है, जिससे अपर काफ़ी हद तक लाइटवेट और ब्रीथेबल हो जाता है। तो चौथे नंबर पे आता है नाइकी रन ऑल डे रनिंग शूज, जिसका सिंपल और स्लिक डिजाइन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जो कि हर कस्टमर के अट्रैक्शन का कारण बनता है। दोस्तों रनिंग की वजह से होने वाली प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए शू अपर को ब्रीथेबल मेश से बनाया गया है, जिसकी वजह से एयर वेंटिलेशन काफी अच्छा रहता है, और आप जब भी शूज को पहन के रनिंग करते हैं तो आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और आपके रनिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए इसके मिडसोल में सॉफ्ट फोम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके पैरों को जर्क से सेफ रखता है, और आपके पैरों को हर तरह के सरफेस पे एक मजबूत ग्रिप मिले उसके लिए आउटसोल में रबर का इस्तेमाल किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं अगले शूज़ की। तो तीसरे नंबर पर आता है नाइकी डाउ शिफ्टर 9 रनिंग शूज़। तो अगर बात करें इस शूज़ के डिज़ाइन की, तो इसका टेपर्ड हील डिज़ाइन इस शूज़ को स्लिक और एरोडायनेमिक लुक देता है। अगर बात करें इसमें इस्तेमाल हुए कंपोनेंट्स की, तो शूज़ को ब्रीथेबल बनाने के लिए इसके अपर में मेस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आपके पैरों में पसीना काफ़ी कम आता है। साथ ही आपके हील को स्टेबल रखने के लिए इसमें हील काउंटर का भी यूज़ किया गया है, और रनिंग की वजह से आपके जॉइंट्स पे पड़ने वाले प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए इसके मिडसोल में सॉफ्ट फोम का इस्तेमाल हुआ है, ताकि आपके रनिंग परफॉर्मेंस पर कोई भी निगेटिव इफेक्ट ना आए। और साथ ही इसके आउटसोल को बनाने के लिए रबर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको डिफरेंट सरफेस पे आपको स्लिपेज की प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो दूसरे नंबर पे आता है नाइकी मेंस डाउन शिफ्टर 8 रनिंग शूज़। अगर इस शूज़ की बात करें तो यह एक मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है, जिसपे कि लाइट वेट मेस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके शूज़ की ब्रीथेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में पसीना कम आता है। साथ ही आपके शूज़ से स्मेल आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और डाउन शिफ्टर के इस मॉडल में हाई कुशन मिडसोल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से मिडसोल हल्का पर सॉफ्ट हो जाता है, और शूज़ की कुशनिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। साथ ही इस शूज़ की ग्रिप को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसके आउटसोल में रबर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले नंबर पे आता है नाइकी मेंस टोडो रनिंग शूज, और इस शूज़ की खासियत यह है कि इसका अपर पूरी तरह से फ्लाई लेदर का बना हुआ है, और यह शूज़ फ्लाई लेदर से बना होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीथेबल है, जिसका कारण है परफोरेटेड टो बॉक्स, जहाँ से एयर वेंटिलेशन काफ़ी ईजिली हो जाता है। और शूज़ की एक और बात जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, वो है इस शूज़ का सोल डिज़ाइन, जो कि नाइकी जूम मॉडल से काफ़ी हद तक मैच करता है। वहीं अगर इसके सोल की बात करें तो आपको इसमें फैलॉन का यूनिट सोल देखने को मिल जाता है, जिसपे बने पैटर्न्स ग्रिप प्रोवाइड कराने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं।
दोस्तों ये थे वो नाइकी के पांच गुड लुकिंग रनिंग शूज जिन्हें आप 3500 रुपीज के बजट में खरीद सकते हैं। और आपके वैल्यूएबल टाइम को सेव करने के लिए हमने सारे शूज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं जिन्हें आप लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा कि अगली बार आप कौन से ब्रांड की लिस्ट देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए कीप रनिंग एंड स्टे हेल्दी।